नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की। ये एमसीक्यू सीरीज 2 है फ्रेंड। इसके अलावा पॉलिटिकल थाउट की एमसीक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट अलग है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आसियान के बारे में सही कथन पर विचार करें। फर्स्ट है, आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल है, अर्थात आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय APSC, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी काउंसिल, आसियान आर्थिक समुदाय AEC, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय ASCC, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो आसियान समुदाय के ये 3 स्तंभ, आसियान समुदाय में ये 3 स्तंभ शामिल है, यह कथन सही है या गलत? तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, 2 नंबर पे, 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच एक ऐसा संगठन है जो सुरक्षा और विदेश नीति का समन्वय करता है। ये भी कथन सही है। ARF जो है, आसियान क्षेत्रीय मंच, ARF, ये एशियन रीजनल फोरम, ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था और ARF का जो उद्देश्य है वो सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया सहित ARF के 23 सदस्य हैं। तो हम फूड में देख लेते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A and 2 आर राइट, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट है, चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1945 में भाग लिया और जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने। यह कथन सही है या गलत? तो ये कथन सही है। चार्टर के आर्टिकल थ्री में यह वर्णित है कि 1 जनवरी 1942 को जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए थे वो ही संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, 2 नंबर पे, स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। यह कथन सही है या गलत है? तो यह कथन गलत है, क्योंकि स्विट्जरलैंड 2003 में नहीं बल्कि 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। थर्ड में है, आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है। यह कथन भी सही है। फोर्थ है, आर्थिक और सामाजिक परिषद में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य तत्काल पुनर्निर्वाचित होने के पात्र भी होते हैं। तो यह भी कथन सही है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है। तो अब हम कूट में देखते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट 3 and 4, ये 3 कथन सही है और रॉन्ग है स्विट्जरलैंड, जो 2003 में नहीं बल्कि 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इनकी मांग पर और विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के कौन से अनुच्छेद में यह उपबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ सीरीज में मिस्टेक हो गया अपन। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 या आर्टिकल 44। तो यह जो वचन है ये चार्टर के कौन से अनुच्छेद में उपबंधित
किया गया है? राइट आंसर है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 43 में यह उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में है विल्सन डॉक्ट्रिन, कार्टर डॉक्ट्रिन, निक्सन डॉक्ट्रिन और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, और सूची 2 में दिया हुआ है जिसे हमें मिलाना है कि कौन किसके साथ सही मैच करता है। चलिए देखते हैं विल्सन डॉक्ट्रिन। विल्सन डॉक्ट्रिन का संबंध किससे है? हस्तक्षेपवादी नीति से। विल्सन जो है वो तटस्थता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति का सिद्धांत तैयार किया था जिसे विल्सन का 14 सिद्धांत के नाम से जानते हैं। विल्सन चाहते थे कि प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। नेक्स्ट है कार्टर डॉक्ट्रिन। इनका संबंध है पार्सियन खाड़ी पर। कार्टर सिद्धांत में ये पार्सियन खाड़ी से संबंधित है। मैं जल्द ही फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के जितने जो भी सिद्धांत हैं उससे संबंधित वीडियो भी डालूंगी जिसमें सभी डॉक्ट्रिन की व्याख्या विस्तार से की गई होगी। इसमें मैं संक्षेप में लेके चल रही हूँ। तो कार्टर डॉक्ट्रिन का पार्सियन खाड़ी से संबंधित है, पार्सियन खाड़ी पर आधिपत्य से संबंधित है। निक्सन डॉक्ट्रिन, इनका संबंध है मित्रों को समर्थन। निक्सन सिद्धांत जो है, निक्सन डॉक्ट्रिन जो है, ये 25 जुलाई 1969 को हुआ था। एक सम्मेलन किया गया था जिसमें निक्सन डॉक्ट्रिन ने अमेरिकी सहयोगियों के साथ दोस्ती के माध्यम से शांति की खोज के लिए तर्क दिया था। तो इसमें ये निक्सन डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? मित्रों को समर्थन से संबंधित है। अब बचे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, तो इनका संबंध है स्वतंत्र लोगों का समर्थन। तो राइट आंसर कौन सा हुआ फ्रेंड? ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन के महासचिव का पद ग्रहण करने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है ए कुर्ट वाल्डहिम, बी डैग हैमरशेल्ड, सी यू थान, डी बुतरस घाली। तो ये जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, इन्होंने किस प्रकार पद ग्रहण किया, इनका कालानुक्रम क्या है, हमें उसके अनुसार इन्हें मिलाना है, इन्हें बताना है। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट में यू थान आते हैं, फर्स्ट में है डैग हैमरशेल्ड आते हैं, हैमरशेल्ड आते हैं, फिर थर्ड में यू थांट आते हैं, फिर कुर्ट वाल्डहिम एंड लास्ट में बुतरस घाली। तो ये क्रम है उनका यूनाइटेड नेशन के महासचिव के पद ग्रहण करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बिम्स्टेक के नवीन सदस्य राज्य हैं, कौन उनके न्यू मेंबर हैं? ऑप्शन है ए नेपाल एंड भूटान, बी नेपाल एंड पाकिस्तान, सी भूटान एंड अफगानिस्तान या डी नेपाल एंड लाओस। तो बिम्स्टेक के नवीन सदस्य कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान कब सदस्य बने थे? 2004 में। बाकी बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं वो हैं अब भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नाफ्टा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट, नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बी न्यू आर्कांस फ्री ट्रांजम एक्ट, या सी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एक्ट, या डी नॉर्थ अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। तो नाफ्टा का क्या अर्थ है? नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? ऑप्शन है ए ब्रुनेई, बी ईरान, सी वेनेजुएला, या डी कुवैत। तो ओपेक का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रुनेई। ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो इसमें ईरान, वेनेजुएला एंड कुवैत उनके सदस्य हैं, लेकिन ब्रुनेई उसके ओपेक के संस्थापक सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जकार्ता, बी काठमांडू, सी ढाका, या डी मनीला। तो कहाँ है सार्क का मुख्यालय? राइट आंसर है ऑप्शन बी काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ब्रेजनेव ने किस सिद्धांत की वकालत की? ए ऑप्शन परम प्रभुसत्ता, बी लोकप्रिय प्रभुसत्ता, सी वास्तविक प्रभुसत्ता, या डी सीमित प्रभुसत्ता। ब्रेजनेव ने किस सिद्धांत की वकालत की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए परम प्रभुसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत का आणविक सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए आणविक प्रसार, बी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, या सी पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, या डी प्रथम प्रयोग रणनीति। तो भारत का आणविक सिद्धांत किस पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। इसके तहत क्या होता है, परमाणु हथियारों का जो होता है सबसे पहला प्रयोग वो नहीं कर उसके द्वारा नहीं किया जाता, और गैर परमाणु हथियार वाले राष्ट्र के खिलाफ नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया था? एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है ए विली ब्रांडेड, बी कॉफी अन्नान, सी बुतरस खाली, या डी कुट वाल्डहेम। तो किसने एजेंडा फॉर पीस प्रस्तावित किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी बुतरस खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नौ यथार्थवाद के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है ए रॉबर्ट कॉक्स, बी फ्रेड हैलिडे, सी जॉन मीयर सीमर, या डी डेविड कैंपवेल। तो नव यथार्थवाद के प्रणेता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन मीयर सीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू किया? दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का गठबंधन शुरू किया है? ऑप्शन है ए रसिया, बी यूनाइटेड स्टेट,
सी जापान या डी इंडिया? किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट ने 5 फरवरी 2020 में ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से $15 मिलियन जारी किए? ऑप्शन है ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनाइटेड नेशन या डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो किसने किया? कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से $15 मिलियन जारी किए हैं। किसने किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस ने। आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।